अपनी ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स जारी रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही हमारे चैनल को और वीडियो को देखिएगा और शेयर कीजिएगा। आज की जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो का नाम कुछ यूं है कि 24 घंटे तक भाई साड़ी का चैलेंज है कि कोरिया में पहन के बाजार में जाना है कि घूमना है, लोग कैसे देखते हैं या क्या करते हैं, रिएक्ट करेंगे वो सब देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं बताना चाहूंगा कि ना हम सिया के राम की सीरीज आपको पता है कि हम पहले बनाते थे, तो वो कुछ देर से हम नहीं बना रहे थे, लेकिन हमने वही उस पर काफी सोचा और इंशाल्लाह वो जरूर दोबारा ना लेके आएंगे। और वो कल से हमारे चैनल पे, उसका नाम उमेर भट्ट वाला चैनल है उसके, जिसको उसका नाम चेंज करके हमने रख दिया है, तो वो उस पर कल से मतलब कि अपलोड की जाएंगी और बहुत ज्यादा मजा आएगा वो सीरीज देखने में। तो इस वीडियो को भी आप लोग प्लीज देखिएगा और उस चैनल को भी प्लीज विजिट जरूर कीजिएगा, तो उस पर हम कल से ज्यादा वीडियो लेके आते रहेंगे, तो देखते हैं। नमस्ते, वेलकम टू पुनान डीज चैनल। दीदी, साड़ी वाला वीडियो चाहिए, मुस्कुराता हुआ थोबड़ा। तुम साड़ी क्यों नहीं पहनती, गाली देता हुआ थोबड़ा। प्लीज सॉरी 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 सॉरी, भूत वाला इमोजी, डैडी वाली लौंडिया। हे गर्ल, प्लीज वेयर अ सॉरी इन योर नेक्स्ट वीडियो, मुस्कुराता हुआ थोबड़ा। नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आई चैनल। सो गाइस, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली आ चुकी है, क्योंकि आज मैं पहली बार पहनने वाली हूँ एक साड़ी। तो ये वाला वीडियो एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि जब से मैं कोरिया में आई हूँ आप बार बार कमेंट करते जा रहे हो कि दीदी आप प्लीज साड़ी पहनिए और कोरिया घूमिए। फाइनली जब मैं इटली में गई थी, मम्मी मेरे लिए साड़ी लेके आई थी इंडिया से, जो कि मैं इटली से कोरिया में लेके आ गई और फाइनली मैं आज उसको पहन सकती हूँ। सब ये फालतू की बकवास थोड़ी कम करते हैं और ये साड़ी पहनते हैं। अगर ये साड़ी पहनते हुए मुझसे कोई गलती हो रही तो पहनते हुए माफ कर देना, ये मेरी पहली बार है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरी साड़ी, so pretty, look at the details guys। मैं ये मोरने वाले इयररिंग्स पहनने वाली हूँ। सो आज के वीडियो में सबसे पहले हम जाने वाले हैं कोरियन क्लासेस, जहाँ पर आपको कोरियन पॉलिटिकल, सोशल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, जो भी कोरियन सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो आपको कोरियन में सिखाते हैं। तो वो क्लासेस मैंने ज्वाइन करी थी लगभग एक महीने पहले, और वो क्लासेस ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी होता है अगर आप कोरिया में लंबे टाइम तक रहना चाहते हो। अगर आपको अच्छा वाला वीजा चाहिए ना, तो आपको वो क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती है। तो वो वाली क्लासेस मैंने ज्वाइन करी है। वाव, सो बहुत अच्छे हैं। वैसे बहुत लोग कोरिया जा रहे हैं ना, कोरिया काफी तेजी से वो भी ग्रो कर रहा है। अनकंफर्टेबल है और मुझे डर लग रहा है कि मैं व्लॉगिंग करते हुए उनको गिरा ना दूं, तो आज मैं सिर्फ बहुत प्यारी लग रही जाऊंगी। सो गाइस, अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं मम्मी को अकेला नहीं छोड़ सकती। तो एक्चुअली मेरी ओनली आने वाले, जिनका एक कॉफी शॉप है, वो यूजुअली कुत्ता है अपने साथ, डॉग। हां, ये डॉग है, ऐसे होते हैं ना छोटे डॉग। बार बार मेरी कॉफी को देख रहा है, मम्मा ये मेरी कॉफी है, कुत्ते कॉफी नहीं पीते। चीयर्स, मजा आ गया। बर्गर, नहीं सुशी खाओ, नहीं बाय बाय। गाइस, फाइनली मैं मेरी स्कूल में आ गई और बाय द वे मेरा थोबड़ा जितना एक्स्ट्रा चिकना बहुत प्यारे लग रही है। ओह माय गॉड, लुक एट द ग्लो। अंदर जाने से पहले मुझे मास्क पहनना है। ओके, आई एम रेडी, लेट्स गो इनसाइड गाइस। अन्नासेयो, सो प्रीटी। लोग अपने कमेंट्स दे रहे हैं, सो लोग कितनी खूब। कोरियन सीख रहे हैं, सब पिक्चर्स ले रहे हैं। 3 hours later. So guys, अभी मेरी कोरियन क्लास भी खत्म हो गई और सब लोग बहुत ही एक्साइटेड थे मुझे साड़ी में देखकर, और सब लोग मेरे साथ फोटो खिंचाना चाहते थे। आई थिंक कि मैंने आपको कभी भी ये वाला कन्वीनियंस स्टोर नहीं दिखाया, तो आज हम यहाँ पर चलते हैं। Let's go inside. गाइस, इस साड़ी को संभालते संभालते मैं पागल होने वाली, बड़ा मुश्किल होता है यार, मैंने भी एक दफा पहनी थी। एनीवे गाइस, आज कोरिया में बहुत ही खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही है और मुझे पानी की सख्त जरूरत है, तो अभी हम पानी खरीदते हैं स्टोर पे आए हैं।
सबसे सस्ते वाली पानी की बोतल सारी बिक चुकी है तो मुझे ये महंगी वाली खरीदनी पड़ेगी, तो हम ये वाली लेते हैं। इतने महीनों बाद में कन्वीनियंस स्टोर में वीडियो बना रहे हैं तो रामियन तो खाना ही पड़ेगा ना। यार ये वाला तो मैगी की तरह दिख रहा है, मैं ये वाला रामियन खरीदने वाली हूँ। मिनियंस की ड्रिंक, इट्स सो क्यूट गाइस। मैं सिर्फ यही सामान खरीदने वाली हूँ आज। यहाँ से आ वामिता, अभी हम इसको लेकर यहाँ पर बैठ के खाते हैं। अच्छा बने बनाए नूडल बने बनाए मिलते हैं। एनीवे गाइस, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैंने काफ़ी सारा खाना खा लिया था बर्गर के साथ हर्श ब्राउनी, तो उसकी वजह से मैंने ये सिंपल सा लंच लिया है। तो सबसे पहले हम ये रामेन की तैयारी करते हैं। इस वाले रामेन के अंदर आपको अंडा भी मिलेगा। Here is how it looks inside. ये वाला है केमिकल वाला अंडा, रामेन पाउडर, और लास्ट में ये वाला है स्पाइसी वाला तेल। शुद्ध हिंदी वाले लोग तेल बोलते हैं, ऑयल नहीं बोलते। इधर वैसे ऑयली बोलते हैं ना, ऑयल या घी। ये मिर्ची वाला तेल सबसे लास्ट में डालते हैं, तो अभी हम इसके अंदर गर्म। अच्छा ये वो होता ना मिक्स करके, ये नया है ना। अच्छा यहाँ पे बैठ के ना पानी आप डालोगे तो वो पकाने की जरूरत नहीं होती कोई। हाँ उबाल लो उन्हें, ऐसे बन जाते हैं। ये तो बहुत ही मुश्किल होता है ना इनसे खाना। हाँ देखो तो कभी ना खाता जाए। ये अंडा तो पूरा ही फिंगर गया इसके अंदर, स्पाइसी हो गया। मिक्स मिक्स मिक्स। चलो आप भी खा लो, ये लो खा लो। गुड गुड। अगर आपको स्पाइसी रामेन पसंद है ना तो आपको ये वाले जरूर पसंद आएंगे। So guys, I'm done with my noodles. और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या खरीदा है। BTS. ये वाली है जोंगकुक की chewing gum और it's so handsome. और ये chewing gum भी purple color की है। Here it is. क्योंकि हमने हमारी पेट पूजा कर ली तो भी हम यहाँ की साफ सफाई करते हैं। उठाई के झाड़ू सफाई वाला, ये बहुत अच्छी चीज है ना लोगों को भी। करके लिए बहुत सारा होमवर्क दिया है, तो मैं सोच रही हूँ कि स्टारबक्स चलती हूँ और वहाँ पर ठंडी ठंडी कॉफी पीते हुए मैं होमवर्क करती हूँ। गाइज आपको कोई अंदाजा भी नहीं कि कितना अजीब फील होता है कि आप अपने आप अकेले कोरिया में चल रहे हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो और ऊपर से साड़ी पहन रखी है और सब लोग आपको अजीब अजीब नजर से देख रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए ये चैलेंज भी मंजूर है। ये रहा स्टारबक्स। Let's go inside. 감사합니다. 자리 확인하, 저희가 자리가 많이 없어서 자리 위에 한번 확인하고 있습니다. 런던에 बोला कि स्टारबक्स में बहुत। 런던에 बोला। जाकर चेक करो कि सीट है बैठने के लिए या नहीं, फिर बाद में ऑर्डर करो। यहाँ पर तो बहुत सारी सीटें हैं। मैं मेरा बैग यहाँ पर रख देती हूँ और चोरी कर उठा के ले जाए। जब इन्होंने वापस आ रहा तो बैग भी नहीं होना। स्टारबक्स की काफी काफी ना फेमस है, यहाँ पे नहीं है स्टारबक्स। अभी हम ये कॉफी ट्राई करते हैं, काफी यम्मी क्रीम ऊपर उन्होंने, ये रही व्हिप क्रीम। काम भी आप साथ में कर लें जरा, स्टडी टाइम रोमांस। हम शरीफ लोग हैं। जो क्वांगजू के लोग हैं ना वो बहुत ही शर्मीले लोग हैं, तो उसकी वजह से कोई भी मुझे अप्रोच नहीं कर रहा। स्पेशली क्योंकि मैंने ये साड़ी पहन रखी है ना, तो उनको लगता है कि मुझे कोरियन नहीं आती और उनको इंग्लिश बोलने में बहुत ही शर्म आती है। वो सेल्फ कॉन्शियस इंग्लिश कम बोलते हैं वो भी। तो मुझे कोई भी भाव नहीं दे रहा गाइस, प्लीज कमेंट में मुझे बहुत सारा भाव देना क्योंकि मैं बहुत ही अकेली और सैड फील कर रही हूँ। और जो सबसे फनी बात यह है कि जब मैं नॉर्मल कपड़े पहनती हूँ और ऐसे ही बाहर घूमती हूँ तो सब लोग मुझसे बोलते हैं कि ओ तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, तुम कितनी लंबी हो, सही बात है, बहुत तुम कितनी प्रीटी हो। लेकिन आज मैं सबसे सुंदर दिख रही हूँ फिर भी कोई भी मुझे भाव नहीं दे रहा, लगता है मेरा चार्म खत्म हो गया। सो गाइस मैंने कॉफी भी पी ली है और होमवर्क भी कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं मेरे ओन्नी के कॉफी शॉप में मोमोज को लेने के लिए। So guys, ये रहा मेरा ओन्नी का कॉफी शॉप, तो अभी हम मोमो को लेने अंदर चलते हैं। गाइस ये रहा ओन्नी का रेस्टोरेंट, इट्स सो प्रीटी, लुक एट ऑल द लाइट्स।
गाइज अभी मैं और मंगमंग घर पर आ चुके हैं और अभी यहाँ के शाम के 7:30 बज चुके हैं। तो अभी डिनर का टाइम हो रहा है और एक्चुअली मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड का फोन आया था जो कि मेरा और लिन का एक कॉमन फ्रेंड है। हम तीनों एक साथ एक ही क्लास में कोरियन स्टडी करते थे लगभग 3 साल पहले आई गेस। सो मेरे इस फिरंगी फ्रेंड का नाम है जोसेफ। तो उसने मुझे और लिन को इन्वाइट करा एक नेपालीज रेस्टोरेंट में क्योंकि उसको नेपालीज खाना बहुत ही पसंद है। तो मैं और लिन और जोसेफ एक साथ जाने वाले हैं एक नेपालीज रेस्टोरेंट में। गाइज अभी मैं वापस बाहर आ गई, मैंने मेरा मेकअप भी थोड़ा बहुत रिटच कर लिया है और अभी मैंने टैक्सी बुलाई है डाउनटाउन जवानों के लिए और वहां पर हम मिलने वाले हैं लिन से, जोसेफ से और एक और लौंडा आने वाला जो कि मुझे पता नहीं कौन है, पहली बार मिल रही हूँ और वो पहली बार मुझे इन वस्त्रों में देखने वाला है। मोटरसाइकिल गाइज आई थिंक वो रही मेरी टैक्सी। सो गाइस अभी मैं फाइनली डाउनटाउन में आ चुकी हूँ और मुझे बहुत शर्म आ रही है यहाँ पे चलते हुए। आई डोंट नो कि लोग क्या सोच रहे हैं। अगर साथ में कोई हो ना तो फिर कपड़े जो उनसे मर्जी डालना मिल रहा है। वो रहा मेरा अंग्रेजी फिरंगी फ्रेंड। अन्यांग हाय हाउ डू आई लुक रियली थैंक यू। सो गाइस दिस इज माय फ्रेंड, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय आई एम जोसेफ, नाइस टू मीट यू। I like it. I love it. You love it? Yeah, I love it. Oh, so pretty. Oh. You're so sexy. Oh, right? Yes. Actually, I like the color. It's green. I love it. You love okay. it? Thank you. My mom bought it from India. Okay. Namaste. Welcome to Funan TV. It's me. Yay. So guys, आज हम नेपाली खाना खाने वाले हैं और ये रहा रेस्टोरेंट, so let's go inside. Ippa. So pretty. जोसेफ यहाँ पर बहुत सारी बार आता है तो वो हमें बता रहे हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। What are we gonna order? समोसा आलू पराठा चिकन बिरयानी आलू गोभी यस देसी खाना ही लग रहा ना, मजेदार है बिरयानी। और खाना हमने बहुत सारा खा लिया, कुछ पैक भी करवा लिया क्योंकि काफी बच गया था और अभी हम घर पर जाने वाले हैं। सो गाइस अभी मैं फाइनली घर पर आ गई और मैं बहुत ही थक चुकी हूँ और मेरा मन कर रहा है कि मैं जल्दी से इस साड़ी को निकाल दूँ और कुछ कंफर्टेबल टी शर्ट पहनूँ, पैंट्स पहनूँ और बस सो जाऊं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज का भी अजीब गरीब व्लॉग पसंद आया होगा और आपको मुझे ये साड़ी पहनते हुए देखना अच्छा लगा होगा। और ये मेरी पहली बार थी कि मैं साड़ी पहन रही हूँ और वो भी कोरिया में और साड़ी में सारे कुछ काम कर रही हूँ। कोई बात नहीं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो मैं आपको जल्दी से मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं खुश रह पी रही हूँ। बहुत स्वीट व्लॉग था सच्ची में, बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाया था देखने में। और साड़ी आपको पता है इतना ज्यादा, मतलब साड़ी में ना हर लड़की खूबसूरत लगती है, मुझे ऐसा लगता है। वैसे भी और ना ये जो कह रही थी एक चीज उन्होंने बार बार इसमें कही कि वो ना बहुत शर्म आ रही थी साड़ी पहन, क्योंकि मुझे लगता है मतलब कोरिया है ना वहाँ पे हर एक मॉडर्न होते हैं वो कपड़े, वो उनका ड्रेस ही जीन्स और टी शर्ट इस तरह सबने पहने, लड़कियाँ लड़के वैसे कपड़े पहनते हैं, लेकिन एक बंदे ने डिफरेंट ड्रेस पहना होगा अपने कल्चर के हिसाब से। लेकिन ना वो देखें कि जब एक बंदा अकेला हो ना, मुझे लगता है इसलिए ज्यादा फील होता है। अगर आप दो हो, लोग हो या तीन लोग हो, तो अगर आपने तीनों ने भी वैसे कपड़े पहने हैं ना, साड़ियां पहनी अगर लड़कियां तो तीनों ने साड़ियां, लड़कियां तो आपने वैसा ही डाला है, तो वो कुछ नहीं होता मुझे लगता है। फील नहीं होता जब अकेला बंदा होता है ना, तो वो ऊपर से ब्लॉगिंग कर रहा होता है तो फिर वैसे ही शर्म थोड़ी सी हो जाती है। लोग अजीब अजीब नजरों से ऐसे ऐसे देखते हैं, वो ऊपर से वो दूसरे मुल्क में है ना, तो वो वहां से आगे भी अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो उनके ब्लॉग्स पर रिएक्शन देंगे। लेकिन क्या खूबसूरत ये लड़की थी, और कोरिया में वो रहते हुए उन्होंने अपने कल्चर को दूसरे लोगों को दिखाया कि ये इंडिया से है ड्रेस और उनकी साड़ी। इतना वैसे अच्छा लगता है जब आप किसी भी मुल्क से हो अपना कल्चर प्रमोट करें अमेरिकन दोस्त ने भी काफी तारीफ की, काफी अच्छी लग रही है आप। सही बात है, वाकई में बहुत ज्यादा इन पे साड़ी बहुत ज्यादा सूट की है। हमने भी एक दफा
वैसे बहुत अच्छी थी। कोरिया की वैसे बात करें तो काफी ज्यादा डेवलपिंग और तेजी से ग्रोइंग करने वाली कंट्री है, और बहुत ही लोग वहाँ पढ़ने के लिहाज से पाकिस्तानी ना दोनों मुल्कों से वहाँ बहुत ही लोग जा रहे हैं, बिल्कुल रहना भी पसंद कर रहे हैं कि वहाँ की नेशनलिटी लेते हैं, तो बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही आगे जा रहे हैं। दूसरा कोरिया वहाँ कोई नहीं जाना चाहता, जो नॉर्थ कोरिया ना नहीं मिलता ना ही वहाँ पे कोई जाना पसंद भी करता है। ये वाला कोरिया बहुत ही अच्छा है, एकदम से सारा ही न्यू है कोरिया ना, इसमें हर एक बिल्डिंग हर एक चीज नहीं देखने को, बहुत ही मजा आया ये वाला ब्लॉग देखकर, सच्ची में मजा आया वीडियो देखने में। आपको कैसा लगा ये वीडियो? बहुत पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू।